हम सब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना दे रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भाजपा कार्यालय में विधानसभा घेराव किया और शिक्षा मंत्री आवास घेराव किया है। आज भी 5 सदस्यीय टीम को शिक्षा मंत्री महोदय से मिलवाने के लिए प्रशासन ने बुलाया था। हम सब इसमें विधानसभा के बगल में खड़े हैं। बस आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री जी जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, जिससे जो ये बेरोजगारी कई लाख लोग जो नौकरी की राह देख रहे हैं उनकी मांग जल्द पूरी हो। अगर हम लोग की मांग कहा है जो पुराने भर्ती हैं 6,000 पर अगर 17,000 देखिए, वो कहते हैं कि एक रोटी देख करके दो बिल्लियों को लड़वाने का काम कर रही, वही काम है कि ये जो 17,000 निकाल रही है, ये 17,000 जो है 68,500 के जो पदे दे रही है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट मामले में फंसेगा। हमारे जब 21 लाख लोग बेरोजगार हैं, आज आप बेरोजगारी का आलम है, बैच बैच पूरा करवा रहे हैं। आज जब आज 21 लाख न्यूज 24/7 पर उनको 17,000 का विज्ञापन दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का गलत नामा है। डिबेट चल रहा है और शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए हमारी 5 सदस्यीय टीम आ चुकी है। अभी जब आप देख सकते हैं कि जब 51,112 का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सरकार ने दिया हुआ है, तब हम 17,000 का विज्ञापन क्यों लें? ये 51,112 सुबेदार सिंह के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में सरकार ने अपना काउंटर दाखिल करते हुए इन्होंने कहा था कि 51,112 पद रिक्त है, जिसमें अगला मौका शिक्षा मंत्रियों को और अन्य लोगों को देंगे। तो आप बताइए 17,000 का विज्ञापन देकर चुनाव देकर चुनावी मौसम में कहां तक न्याय पूर्ण होगी? आगे की रणनीति सरकार नहीं सुनेगी तो हम लगातार प्रदर्शन करेंगे और लगातार अपनी मांगों को रखेंगे। अगर कल तक अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो कल विधानसभा घेराव हम लोग का लगभग 5,000 से 6,000 संख्या में हम लोग विधानसभा का घेराव बहुत पूरे पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश समस्त कोचिंग संस्थान बंद होकर के समस्त संस्थान बंद होकर के लखनऊ की धरती पर पहुँचने वाले हैं और कल आर पार की लड़ाई प्रदेश सरकार से लड़ेगी। धन्यवाद।